नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में बिहार के लाल और भारत के युवा बल्लेबाज ईशांत किशन के बारे में, जिन्हें आप सभी आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जर्सी में धमाल मचाते देख चुके हैं। मगर जब ये बल्लेबाज इंडिया की जर्सी पहने पहली बार उतरा तो उसे भी यादगार बना दिया। जी हाँ, अपने डेब्यू मैच में ईशांत ने तहलका मचाकर सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। जो सभी क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व खिलाड़ी और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया दूसरा टी20 टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया। भारत की इस जीत के हीरो रहे ईशांत किशन, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऐसी तूफानी पारी खेली कि इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशांत किशन ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए अर्धशतकीय पारी खेल डाली। किशन ने लेग स्पिनर आदिल रशीद की गेंद पर बैक टू बैक छक्के के साथ 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। पहले मैच में ईशांत किशन की हाफ सेंचुरी ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर दिया। ईशांत किशन अब टी20 डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। टी20 डेब्यू पर अर्धशतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं। अजिंक्य रहाणे ने 2011 में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ ही 61 रन बनाए थे, जो डेब्यू मैच में किसी भारतीय द्वारा टी20 में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बना हुआ है। बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए रहाणे ने 39 गेंद पर 8 चौके के साथ 61 रन बनाए थे। हालांकि भारत वो मुकाबला हार गया था, मगर ईशांत किशन की अर्धशतकीय पारी टीम इंडिया की जीत में काम आई। किशन ने अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए। हालांकि वो बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, मगर स्विच हिट के चक्कर में LBW आउट हो गए। किशन का कहना है कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे और जीत दिलाकर लौटेंगे। बता दें कि ईशांत किशन के साथ सूर्य कुमार यादव ने भी टी20 डेब्यू किया था, मगर यादव को बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। यादव और किशन दोनों आईपीएल में एक ही टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। ईशांत किशन ने अपनी जीत को लेकर रोहित शर्मा को श्रेय दिया है। अंडर-19 विश्व कप में उप विजेता के तौर पर फिनिश करने वाले कप्तान ईशांत किशन ने साल 2016 में आईपीएल में पदार्पण किया था। रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस में जाने के बाद उन्होंने लंबी छलांग लगाई। ईशांत किशन आईपीएल के 2020 संस्करण में मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे, जो यूएई में हुआ था। उन्होंने ओपनर और मिडिल ऑर्डर दोनों में अच्छी भूमिका निभाई थी। ईशांत किशन ने दूसरे टी20 मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक क्रिकेटर के रूप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको सफल होने में मदद करने के लिए विभिन्न भूमिका निभाते हैं। रोहित भाई ने मैच से पहले मुझसे कहा था कि तुम ओपनिंग करोगे और खुलकर खेलोगे, जैसा कि आईपीएल में करते हो, उन्होंने मुझे स्पष्ट रहने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि जाहिर है जब मैं वहां गया था तो घबरा गया, लेकिन आखिर में जब आप अपने देश का झंडा देखते हैं और आप राष्ट्रीय जर्सी पहनते हैं तो आप जो करना चाहते हैं वो वहां सर्वश्रेष्ठ देकर ही लौटते हैं। बिहार में है जश्न का माहौल। भारतीय बल्लेबाज ईशांत किशन ने अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में शानदार बैटिंग कर देश के साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया। ईशांत की सफलता से उनका परिवार बहुत खुश है। उनके घर नवादा में लगातार सेलिब्रेशन चल रहा है। ईशांत की दादी का कहना है कि ईशांत ने अपने सपने को पूरा किया है। ईशांत की दादी सावित्री शर्मा ने कहा है कि ईशांत अभी बहुत आगे तक जाएगा और इस बात का भी बहुत गर्व है कि अब उन्हें लोग उनके पोते के नाम से जान रहे हैं। ईशांत की भाभी डॉक्टर पल्लवी का कहना है कि ईशांत ने खुद को साबित करके दिखाया है। मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें हर तरफ से तारीफ और बधाई मिल रही है। वहीं ईशांत किशन ने अपनी खास फिफ्टी अपने कोच के पिता को समर्पित किया है। ईशांत ने बताया कि उनका कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ था। मैच के बाद किशन ने कहा कि मेरे कोच के पिता का निधन कुछ दिनों पहले हुआ और ये पारी उन्हीं को समर्पित है। ईशांत ने कहा कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, क्योंकि मेरे कोच ने कहा था कि तुम्हें मेरे पिता के लिए कम से कम 50 बनाने हैं, तो मैं अपना अवार्ड उन्हीं को समर्पित करता हूं। 32 गेंदों पर 56 रन बनाने वाले ईशांत किशन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। ईशांत किशन की इस पारी से जुड़ी एक और मजेदार अब मैं आपको बताती हूँ। मैच के बाद ईशांत ने BCCI टीवी पर युजवेंद्र चहल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वो अर्धशतक लगाने के बाद बल्ला नहीं दिखाना चाह रहे थे, लेकिन विराट के कहने पर उन्होंने फिर बल्ला उठाया। ईशांत ने कहा, सच बोलूं तो मुझे उतना पता नहीं था, मैं आश्वस्त नहीं था कि मेरे 50 रन पूरे हो गए। मुझे विराट भाई ने बोला,
टॉप इनिंग तब मुझे समझ में आया, मेरी आदत नहीं है, मैं बैट नहीं दिखाता हूं। लेकिन हुआ क्या कि वहां विराट भाई के पीछे से आवाज आती है कि ओए चारों तरफ घूम के बैट दिखा, सबको बैट दिखा, पहला मैच है तेरा, बहुत अच्छे। तो जाकर मैंने सबको बल्ला दिखाया, तो उस समय मुझे लगा था कि ये एक आदेश है, तो मैंने वैसा किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।